अब 10 मिली एम्पियर डायरेक्ट बोलना है, सही है। जब 10 मिली एम्पियर होगा तो ये वाली करंट इधर आएगी और ये वाली ऐसे जाएगी। सुनाओ, आईजी कितने से जा रही है? 100 प्लस R3 प्लस R2 बराबर 9 R1, सही है। अब R3 प्लस R2 का मान ऊपर देखो, ऊपर देखा, ऊपर माने इक्वेशन वन देखो, 100 माइनस R1 बराबर 9 R1। बच्चों R1 का मान कितना आया? 20 ओम। लो, R1 भी आ गया। अब जब R1 और R3 आ गया तो कोई पब्लिक को दे दो, लगा देगा। अब उसी इक्वेशन वन से हेंस वी गेट R2 इज अगेन 20 ओम, राइट। तो ये R1, R2, R3 की वैल्यू आ गई। कैसे निकाला, समझ में आया? हाँ, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही सारे सवाल हैं बने। इसी में कोई पार्ट तोड़ के कोई पार्ट जोड़ के पूछता है। समझ आ गया? समझ आ गया तो वोल्ट मीटर लिखो। अब बच्चों वोल्ट मीटर ले रहे हैं, गैल्वेनोमीटर का आखिरी पार्ट आ गया। देखो धीरे धीरे एक एक बात समझ में आ रहा है और एक एक सवाल आपका बढ़ रहा है। अब एग्ज़ाम में आएगा, मान लो नहीं पढ़े रहते और एग्ज़ाम में आता ना समझ पाते तो गलत हो जाता ना, और चार अगर कहीं 3 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता तो ये होता कि 2 घंटे पढ़ लिए होते तो आज मेडिकल कॉलेज चले गए होते, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए होते। इसलिए हर लाइन सीखना है। एंड तब होता है जब आपको सब आ जाए, और जब तक सब नहीं आया तब तक एग्ज़ाम देने जाना क्यों है? क्यों जाओगे एग्ज़ाम देने जब आता ही नहीं? पहले पूरा सीखना है, और सीखने के लिए बच्चों टाइम देना पड़ता है, हवा में नहीं पढ़ाया जा सकता ना। और फिर रिजल्ट लाना है, और कैरियर की बात है, ये फ्यूचर की बात है, लाइफ की बात है, उसे मेरे को अच्छा करना होगा। आगे बढ़ा लें। अब चलो वोल्ट मीटर लेते हैं। लिख रहे थे क्या कुछ? हाँ लिखो जल्दी से, इतना टाइम लगाते हो लिखने में। मेहनत करो और बिल्कुल हार्ड वर्किंग बनो, हार्ड वर्किंग। लोगों का वक्त आता है और आपका समय आए, जिसे बोलते हैं दौर, कि आपके नाम से लोग जाने कि ये उनका दौर था, वो किनका पीरियड था। बोलते नहीं ये वाला पीरियड था, ये वाला पीरियड था, तो अपने को इतना ग्रेड बनाओ कि आपके नाम से लोग जाने कि वो पीरियड था, ये उस समय की बात है। तो बस हार्ड वर्क, पूरी दिमाग में चीज़ों को सेट करके चलो कि हमें अच्छा करना है। आइए अब उसको आगे बढ़ा के इसको लिख लिया जाए। देखो अब मैं वोल्ट मीटर की बात करूँगा। भाई गैल्वेनोमीटर से मैं वोल्टेज रिकॉर्ड कर रहा था, क्या कर रहा था? वोल्टेज। किससे? गैल्वेनोमीटर से। तो क्या पाया? IG छोटा था, GB छोटा था, IG इंटू GB बहुत छोटा हो गया, और हमें वोल्टेज ज़्यादा मेजर करना था। करंट हम बढ़ा नहीं सकते, कैपेसिटी उसकी उतनी ही है। तो फिर वोल्टेज बढ़ाने के लिए फिर बढ़ा ही क्या सकते हैं आप? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए पैरेलल नहीं सीरीज, इसलिए यहाँ पे कम्बिनेशन लेना पड़ा, सीरीज। तो क्या लिखा है? टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। आप इतनी लाइन लिखो तब आगे बढ़ो। ये तो दिमाग में कैसे आया वो लिखा है कि आपको V ज़्यादा बढ़ाना है तो V बराबर IR से R बढ़ाना पड़ेगा। करंट तो आप बढ़ा नहीं सकते, जो करंट आ रही है वो करंट आएगी, वोल्टेज आपको ज़्यादा मेजर करना है।
बच्चों लोग अब इसको ऐसे चित्र बनाओ आप। अब आप उसे लिखने के बाद इसको मैथमेटिकल अप्रोच क्या है उसको देखना शुरू करो। देखो गैल्वेनोमीटर में मैंने सीरीज रेजिस्टेंस लगा दी और जो यहाँ पे वोल्टेज रिकॉर्ड हो रहा है वो V है, तो V बराबर क्या होगा I इंटू R, सीरीज कम्बिनेशन है तो G प्लस R। बच्चों पहला सवाल होता है, पहला सवाल रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस फॉर वोल्ट मीटर, स्टेटमेंट ले रहा हूँ ऐसे पेपर में क्वेश्चन होगा, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस फॉर वोल्ट मीटर ऑफ रेंज वी। अब अगर रेंज वी का वोल्ट मीटर बनाओगे तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो आर बराबर आप लिखो भाई वी अपान आई जी और माइनस जी। वी दिया रहेगा, रेंज दिया रहेगा, गैल्वेनोमीटर का करंट और जी तो दिया ही रहता है, और मैं वी दे दूंगा आप रेजिस्टेंस निकाल लेना। ये पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल फिर टीचर पूछते हैं कि वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या है आरवी, तो आरवी बराबर होगा जी प्लस आर, जी प्लस आर लिख दो चाहे वी अपान आई जी, ये लिख दो। दो बात हो गई। फिर बच्चों अगली बात अब आती है वोल्टमीटर इन सर्किट। अब हम वोल्टमीटर को सर्किट में लेके जा रहे हैं वोल्टमीटर इन सर्किट। अब इसको देखो, अब वोल्टमीटर को हम सर्किट में लगाएंगे, आगे बढ़ाऊं, अब समझो मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है आर, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसमें जो वोल्टेज आएगा, हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखते, भले वोल्टेज हैं लेकिन वोल्टेज तो रिलेटिव पैरामीटर है, हम वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस माने इसके बीच का कितना वोल्टेज में अंतर आया, यहाँ कुछ वोल्ट है यहाँ कुछ वोल्ट है, तो कितना अंतर आया वही है ये। तो V का मतलब हम V भले लिख रहे हैं पर समझ रहे हैं कि V माने पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि रिलेटिव पैरामीटर है, किसी से कंपेयर करके लिखनी है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे आई इंटू आर। अगर ये मान लो 10 वोल्ट आया तो 10 वोल्ट क्या है कि यहाँ पे अगर 20 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट हो गया, या यहाँ पे 40 वोल्ट है तो यहाँ 30 वोल्ट हो गया, तो 10 वोल्ट का अंतर हो गया, ये मतलब है। अब आपको मेजर करना है, ये एक्चुअल है कि मेजर्ड है, मेजर्ड तो तब होगा जब कोई डिवाइस लगाओगे, अभी तो यहाँ पे एक्चुअल है, वी ए माने एक्चुअल क्योंकि हमने कोई डिवाइस तो लगाया नहीं, मेजरमेंट अब करूंगा, ये एक्चुअल वोल्टेज है, एफ आर एक्चुअल। बच्चों अब अगर आपको वोल्टेज मेजर करनी है तो क्या करोगे, वोल्ट मीटर लगाओगे, कहाँ लगाओगे, एक यहाँ, क्योंकि डिफरेंस निकालनी है, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे,
इसके एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर लोगे तभी तो आएगा। इसलिए वोल्ट मीटर को इसके अलावा और लगाने का कोई तरीका हो तो आप बताइए हमें कि दोनों तरफ का वैल्यू का चेंज आ जाए, दोनों तरफ का अंतर आ जाए। तो अंतर आने के लिए एक टैपिंग इधर एक टैपिंग उधर, इसलिए वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में, क्योंकि वो निकालता है डिफरेंस। तो एक पॉइंट इधर होगा एक पॉइंट उधर होगा, ये मीटर तो जहाँ लगाओगे वहीं एक जगह रहेगा। हाँ, तो इसलिए ऐसा किया। इसका रेजिस्टेंस है आर वी और इसमें करंट जा रही है आई। तो बच्चों अब यहाँ निकालोगे मेजर्ड करंट, मेजर्ड वोल्टेज। तो मेजर्ड वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आर इंटू आर वी अपान आर प्लस आर वी। आई इंटू आर करोगे दोनों पैरेलल कम्बिनेशन है ना, तो आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू हो गया। फिर बच्चों वी मेजर्ड देखते रहो, आई इंटू आर माने वी एक्चुअल इंटू आर वी अपान आर प्लस आर वी। बताना मेजर्ड और एक्चुअल में कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, मेजर्ड कम है और एक्चुअल ज़्यादा है। देखो मेजर्ड के लिए नीचे जा रहा है ना आर प्लस आर, नहीं समझ आ रहा क्या। तो यहाँ पे हमेशा मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से कम होगा, ये डिसाइड हो गया कि मेजर्ड वैल्यू हमेशा एक्चुअल से कम होगा। अब लिखेंगे परसेंटेज एरर, जैसे आपने पीछे किए ना उसी हिसाब से अपने माइंड को सेट करो, वैसे लिखते चले जाओ। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, फार्मूला वी मेजर्ड अपॉन वी एक्चुअल माइनस वन इंटू हंड्रेड। बस अब इसको अगर डिवाइड कर दो तो आर वी अपॉन आर प्लस आर वी माइनस वन इंटू हंड्रेड और लगाओ तो माइनस आर अपॉन आर प्लस आर वी इंटू हंड्रेड। तो बच्चों ये बात एक समझ आ गई यहाँ पे कि मेजर्ड वैल्यू कम है, कितना कम है उसको आप बताओगे क्या, जरा बताओ मुझको तो मैं लिखूँगा। नहीं आप पूरी बात बताओ, मेजर्ड वैल्यू इज लेस, मेजर्ड वैल्यू इज लेस फ्रॉम एक्चुअल, फ्रॉम एक्चुअल चाहे वैल्यू की जगह वोल्टेज लिख सकता है, फ्रॉम एक्चुअल बाय आर अपान आर प्लस आर वी इंटू 100%। बस हो गया, समझ आया, ये इतना इधर है। अच्छा थ्योरी में अभी चल रहे हैं, लगातार लिखते रहिएगा, फिर सवाल अभी दो तीन सवाल लगातार खट 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 लिखेंगे, एकदम रफ्तार बढ़ा के चलिए, समझते रहिए, मेन है समझना, एग्ज़ाम में आए तो आप अपना कर पाएँ। कोई लाइन छूटनी नहीं चाहिए, कोई लाइन अगर छूटेगी तो बताना आगे पीछे करके दिखाएंगे। उधर सब ठीक है, अच्छा तो नहीं कुछ उधर लिख रहे हो आप, लिख रहे थे तो लिखो उसे, नहीं कब लिखोगे, जब डिलीट कर देंगे तब लिखोगे, लिखो जल्दी से, लिखो लिखो उसे, लिखो लिख के समझो। आगे बढ़ा दूं, तो ये इतना परसेंटेज एरर है।
अब कहानी आती है दूसरी। अब आप बताओ इरर की वैल्यू। अब पूरे लोग मेरे साथ में रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। बच्चों इरर परसेंट छोड़ के बताओ, आर अपान आर प्लस आर बी। हम चाहते हैं इरर मिनिमम हो, फार मिनिमम इरर। अब मिनिमम इरर भाई कैसे होगा, आर बी का मान मैक्सिमम, तो आर बी मैक्सिमम हो। अच्छा आर बी का मान क्या है, बी अपान आई जी। अगर इसे मैक्सिमम होना है तो आई जी तो मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या मैक्सिमम होना चाहिए, बी। और बी है क्या, वे बी क्या है, रेंज। तो कौन सा वोल्ट मीटर लेना है, कम रेंज का कि ज़्यादा रेंज का, तो इरर क्या होगा, कम होगा। तो डिवाइस क्या होगा, अच्छा होगा, अच्छा डिवाइस होगा ना। तो अगर डिवाइस अच्छा होगा तो इरर कम होना चाहिए। अगर आप अच्छे हों तो आप में भी गलतियां कम होनी चाहिए। और गलती कम होने के लिए कैसे काम चलेगा, केवल पी वाई क्यू पढ़ने से, हाँ क्या करने से, रेंज बढ़ाने से। बढ़ाओ रेंज, रेंज बढ़ाओगे तब इरर घटेगा, ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है। एक जगह मान लो गलत होता दूसरी जगह भी गलत हो जाएगा, इसलिए जीवन में एक ही सत्य है कि रेंज ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए अच्छे कॉलेज की तलाश करते हैं ना, कि जहाँ पे ज़्यादा अच्छे टीचर हों, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट खूब होता हो, एक्सपोजर हो, पेशेंट ज़्यादा आते हों। इंजीनियरिंग फील्ड है तो वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा होते हों, वहाँ जाना चाहते हैं। टीचर को चुनते हैं उसको जिसमें नॉलेज बहुत हो, नॉलेज फुल टीचर, कि नॉलेज लेस लोगों से पढ़ना पसंद करोगे। तो नॉलेज फुल होना चाहिए और उसके लिए रेंज बढ़ाना चाहिए। तो यही है फिलॉसफी ऑफ द फिजिक्स, कि रेंज बढ़ाओ, रेंज बढ़ाओ, इरर घट जाएगा। तो बच्चों इसलिए भी बोल रहा हूँ कि याद भी रहेगा और सही बात भी बोल रहा हूँ, यही तरीका है कि रेंज मैक्सिमम होना चाहिए। अब रेंज मैक्सिमम होना चाहिए जिसके लिए वोल्टमीटर रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे ये बात तो हो गई, सब लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, सब लिखा है। अब एक सवाल लिखिए आप बच्चों, एक सवाल लेने हैं, लेकिन उससे पहले कोई एक बात और बता दूं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे अलग से लिख रहा हूँ इसीलिए। अगर हमने आपको बिना देखे अगर आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, एमीटर के लिए और वोल्टमीटर के लिए। इसमें जब इरर आपने निकाला था, इरर तो आया था आर ए अपान आर प्लस आर ए, माइनस था तो डिक्रीज होगा। यहाँ पे इरर निकाला है तो स्मॉल आर अपान आर प्लस आर बी। इसे आप लिख सकते हो वन अपान वन प्लस आर अपान आर ए। बच्चों हम इरर तो कम कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम है आइडियल बनाने का। हम चाहते हैं कि हमारा एमीटर आइडियल एमीटर बन जाए। अब आइडियल एमीटर बन जाए, आइडियल एमीटर बन जाए, इसका मतलब इरर ज़ीरो हो जाए। और ये ज़ीरो कब हो सकता है भाई, ये ज़ीरो तब हो सकता है, यहाँ पे देखो आप, ये ज़ीरो होने के लिए इस्माल ये वाला इन्फिनिटी हो जाए, ये वाला इन्फिनिटी हो जाए, वन अपान इन्फिनिटी तो ज़ीरो होगा ना। अब ये इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, आर ए ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब आर ए ज़ीरो हो जाए। तो आइडियल एमीटर क्या है, जिसका एमीटर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। नीट के पेपर में एक सवाल दिया था 47 नंबर का क्वेश्चन, और उसमें अभी घर पे जाके देखना, इस साल या पिछले साल दिया था। और कई बच्चे यही छोटी छोटी बात नहीं समझ पाए, छोड़ के चले आए, और जो जो छोड़ के चले आए घर पहुँचते पहुँचते सर पटक रहे थे कि कॉपी में तो लिखा था, वो समझ क्यों नहीं पाए। कोई यही सब बात में कोई सवाल दिया था, कोई थ्योरेटिकल बात ही था उसमें, और उसको ढूंढ रहा था।
तो आइडियल एमीटर का मतलब है ये, एरर जीरो माने एमीटर रेजिस्टेंस जीरो। अब बच्चों इधर देखो, आइडियल वोल्ट मीटर, अब आइडियल वोल्ट मीटर की बात करो भाई, तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब एरर जीरो। अब अगर एरर जीरो तो ये तब होगा जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो आइडियल वोल्ट मीटर किसे कहेंगे? जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। किसका? तार का कि वोल्ट मीटर का? हाँ। और आइडियल एमीटर माने जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, तार का कि एमीटर का? एमीटर। तो अच्छा एमीटर कौन? जिसका रेजिस्टेंस कम। और अच्छा वोल्ट मीटर कौन? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। अच्छा एमीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस घटाना शुरू करो, और रेजिस्टेंस घटाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अच्छा वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना शुरू करो, और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन। यही है ना रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ये बात हो गया आइडियलिज्म। अब आते हैं लेके आपको दो तीन सवाल, इसके बाद ये बात हो जाएगी ख़त्म। यही है मेन पार्ट। सवाल लिखा जाए, परसेंटेज इरर इन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बाय वोल्ट मीटर, बाय वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 1 वोल्ट वेयर IG बराबर 1 mA और G बराबर 100 ओम। लिखा है कि परसेंटेज इरर इन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बाय वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 1 वोल्ट, बाकी लिखा है। बच्चा लोग इसका आंसर निकालने में इतना टाइम लगा दिया, बताओ परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या है? यही तो है ना, आर अपान आर प्लस आर बी इंटू 100 है, विषय में तो रखना था। अब आर बी का मान आपने पढ़ा है वी अपान आई जी। वोल्ट मीटर का रेंज कितना दिया है? 1 वोल्ट 1, और आई जी का मान है 10^-3। कैलकुलेशन करोगे 1000 ओम आ जाएगा। आरबी का मान आ गया, अब यहाँ रख लो 100 upon 100 + 1000 × 100। अब 100 100 सब काट दो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर पा जाओगे 100/11%। सही है, ये आंसर आ गया।
आना चाहिए था, आप लोगों ने इतना टाइम क्यों लगाया? फार्मूले में वैल्यू ही तो रखना था। हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने मल्टी एमीटर पढ़ा है ऐसे ही एक मल्टी वोल्ट मीटर बनाया है। अब मल्टी वोल्ट मीटर देखो आप, यहाँ मैंने 1 मिली एम्पियर करंट कैपेसिटी का गैल्वेनोमीटर, 100 ओम रजिस्टर का, और तीन रजिस्टेंस है R1 R2 R3 लगा दिया। ये पॉइंट कनेक्शन के हैं। आप बताइए सबसे ज़्यादा वोल्ट कहाँ मेजर करेगा? डी पर, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट मीटर के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो मान लो ये 1 वोल्ट मेजर करेगा, ये 3 वोल्ट मेजर करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 वोल्ट मेजर करेगा, 5 वोल्ट। तो बच्चों ये बताओ कि अगर ये 1 वोल्ट मेजर करेगा यहाँ कनेक्शन दो, 3 वोल्ट 5 वोल्ट, तो R1 R2 R3 का क्या मान है? R1 R2 R3 की वैल्यू बतानी है, तो मैं लिखूंगा R1 R2 R3 फॉर मल्टी वोल्ट मीटर, फॉर मल्टी वोल्ट मीटर। चलो देखो इसको कैसे, इतना टाइम क्यों लगा दिया? अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है, सुनो, अगर 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट का मतलब RV बराबर V/IG माने 1000 ओम यहाँ पे। अगर यहाँ 3 वोल्ट है तो V/IG माने 3000 ओम, क्यों बच्चों? 3000 ओम। और अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो V/IG का मतलब 5000 ओम। अब तो ये बात हो गई। अब आप देखिए अगर ये 1000 ओम है और ये 100 है तो यहाँ का वैल्यू कितना आया? 900 है, आया कि नहीं आया? और अगर ये 1000 है और ये 3000 है तो यहाँ कितना आया? 2000 आया, आया कि नहीं आया? अगर यहाँ 3000 है और यहाँ 5000 है तो यहाँ भी कितना आया? 2000 आया, सारे रेजिस्टेंस आ गए, अच्छा निकल गया। पहले आप बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? आप फिर समझ लीजिए, 1 वोल्ट है तो V/IG करोगे तो 1000 आएगा, 3 वोल्ट है तो V/IG करोगे 3000 आएगा, 5 वोल्ट करोगे तो 5000, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1000 है, तो ये 100 है तो बचा क्या? 900। यहाँ से यहाँ तक 1000 है, यहाँ से यहाँ तक 3000 है, तो यहाँ कितना बचा? 2000। अगर यहाँ से यहाँ तक 3000 है, यहाँ से यहाँ तक 5000 है, तो यहाँ कितना बचा? 2000। नहीं समझ आ रहा? बस इतना ही करना, और क्या समझ रहे? आसमान से तारे तोड़ के लाओगे क्या? जो फार्मूला है उसी में रखना है। लास्ट क्वेश्चन एक और करेंगे, इसके बाद एक सवाल और। अब एक सवाल और क्या, वो सवाल आपको होमवर्क देंगे, थोड़ा और थ्योरी पढ़ा लें तब। अब बच्चों यहाँ से इसे लिखने के बाद अभी लास्ट में जब होने लगेगा ख़त्म तो सवाल ले लेना, पूछ लेना सर आपको सवाल दे रहे थे क्या, वो दे देंगे, नहीं पता चला भाई एग्जाम में आ जाएगा। जो एग्जाम में आने वाला होता है क्वेश्चन वही देते हैं होमवर्क, कि नहीं लगाए रहोगे तो बहुत दिन तक याद आएगा कि वही वाला सवाल आ गया था।
अब आप लिखिए पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर लिखना है अब आपको। ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर। ऑब्लिक मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। अब देखो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज हमारा ये दो डिवाइस है, आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल किए हैं। अब वो प्रैक्टिकल के कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे। पोटेंशियोमीटर इसका नाम है, ये यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल आर EMF ऑफ सेल, इसलिए पोटेंशियोमीटर है। और इसका काम क्या है, यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, मेन काम इसका यही है। दो सेल का EMF निकालना और उसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ये मेन काम है। इन दोनों डिवाइस का मेन काम है, दोनों डिवाइस का काम है। ऑब्लिक लगाया ना, दोनों से वही काम करते हैं। फिर एक मैंने मीटर ब्रिज लिखा है और एक पोटेंशियोमीटर है। तो मीटर ब्रिज में वायर की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 1 मीटर, ये फिक्स है। 1 मीटर की लंबाई का तार लेना है बस, कुछ भी हो तार 1 ही मीटर होना चाहिए। और ब्रिज लिखा है तो बेस्ड ऑन बैलेंस ब्रिज, बेस्ड ऑन बैलेंस ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, सही है। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। इधर हम लिखेंगे पोटेंशियोमीटर, वही एक ही बात है, मीटर ब्रिज ही वाला केस है यहाँ भी। पोटेंशियोमीटर इसमें लेंथ ऑफ वायर कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर नहीं होगा। अगर 1 मीटर हो जाएगा तो मीटर ब्रिज बन जाएगा, उससे ज़्यादा कम है तो पोटेंशियोमीटर बन जाएगा। 1 मीटर नहीं होगा, पर यूजुअली जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में रखा गया है इसको बनाने के लिए, L का मान 1 मीटर से ज़्यादा होता है, 1 मीटर से ज़्यादा होता है। आप कहोगे कि 1 मीटर से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन टीचर बोलेगा क्या करोगे, ज़्यादा करोगे कम करोगे, 1 मीटर तो नहीं रखोगे तो सही बात है, तो हम कम क्यों करेंगे, हम ज़्यादा करेंगे। तो बोलेगा ज़्यादा, कितना ज़्यादा कर दें, यहाँ से बॉम्बे तक का तार दे दें, 500 किलोमीटर दे दें, हो सकता है। अब ज़्यादा भी कितना ज़्यादा ये तो बताना पड़ेगा ना, कि यहाँ से उड़ीसा तक का तार चाहिए, यहाँ से कन्याकुमारी तक का तार चाहिए, कहाँ तक का चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, ये भी तो एक सवाल है। ज़्यादा हो तो कितना, चलिए अभी समझ में आएगा। ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करेगा। बच्चों ये व्हीट स्टोन ब्रिज लेने का पर्पस क्या था, अगली बात आती है। जैसे 5 लोग थे
कुल पांच लोग थे, पांच लोगों में से एक बच्चे को मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ तुम लोग कितने लोग हो, उससे मैंने पूछा कितने लोग हो, और जितने लोग हो जाओ ये पेन सबको दे दो, तो वो अपने को छोड़ देगा। चार लोगों को बताया, सर वहाँ चार लोग बैठे हैं, अपने को छोड़ दिया। अब चार लोगों को उसने पेन दे दिया, फिर बोला सर मुझे तो मिला ही नहीं। मैंने कहा तू ही से पूछा था कि कुल कितने लोग हैं, तूने बोला था चार। तो जब हम किसी जगह अगर हमको बोला जाए कि जाओ काउंट करके आओ सब लोग कितने हैं, तो उसमें मैं भी इंक्लूड था, लेकिन जब मैं काउंट करने लगा तो अपने आप को छोड़ दिया। अब ये सवाल ये चल रही है कि आखिर ये वोल्ट मीटर में एरर क्यों आया, मेजर्ड वैल्यू कम क्यों आया, एक्चुअल से कम क्यों आया। इसका मतलब जो कम आया वो वोल्ट मीटर में गया होगा, और अगर उसमें वैल्यू ना जाए तो सही आ जाएगा। अगर उसमें ना जाए डिवाइस में कोई करंट ना जाए तो वैल्यू क्या आएगा, सही आएगा, क्योंकि अपने को छोड़ के बाकी जगह बताता है। तो जब अपने को छोड़ के बाकी जगह बताता है और उसमें भी कुछ है